प्रणाम है आप सभी का और स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे द्वितीय स्कंध के सातवें अध्याय के विषय में। सतगुरु सतनाम आदि माता अलख निरंजन होवो वांछित फल दुहक भंजन। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ सप्तमो अध्याय। शीर्षक भगवान के लीला अवतारों की कथा। आइए अब कथा का आरंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि अनंत भगवान ने प्रलय के जल में डूबी हुई पृथ्वी का उद्धार करने के लिए समस्त यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया था। आदि दैत्य हिरणाक्ष जल के अंदर ही लड़ने के लिए उनके सामने आया। जैसे इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के पंख काट डाले थे, वैसे ही वराह भगवान ने अपनी दाढ़ों से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर उन्हीं प्रभु ने रुचि नामक प्रजापति की पत्नी आकुति के गर्भ से सुयज्ञ के रूप में अवतार ग्रहण किया। उस अवतार में उन्होंने दक्षिणा नाम की पत्नी से सुयम नाम के देवताओं को उत्पन्न किया और तीनों लोकों से बड़े बड़े संकट हर लिए। इसी से स्वयंभू मनु ने उन्हें हरि के नाम से पुकारा। नारद कर्दम प्रजापति के घर देवहूति के गर्भ से नौ बहनों के साथ भगवान ने कपिल के रूप में अवतार ग्रहण किया। उन्होंने अपनी माता को उस आत्मज्ञान का उपदेश किया जिससे वे इसी जन्म में अपने हृदय के संपूर्ण मल तीनों गुणों की आसक्ति का सारा कीचड़ धोकर कपिल भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गयी। महर्षि अत्रि भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते थे। उन पर प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे एक दिन कहा कि मैंने अपने आप को तुम्हें दे दिया है। इसी से अवतार लेने पर भगवान का नाम दत्तात्रेय पड़ा। उनके चरण कमलों के पराग से अपने शरीर को पवित्र करके राजा यदु और सहस्त्रा अर्जुन आदि ने योग की भोग और मोक्ष दोनों की सिद्धियां प्राप्त की। नारद सृष्टि के प्रारंभ में मैंने विविध लोकों को रचने की इच्छा से तपस्या की। मेरे उस अखंड तप से प्रसन्न होकर उन्होंने तप अर्थ वाले सन नाम से युक्त होकर सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार के रूप में अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने प्रलय के कारण पहले कल्प में भूले हुए आत्मज्ञान का ऋषियों के प्रति यथावत उपदेश किया जिससे उन लोगों ने तत्काल परम तत्व को अपने हृदय में साक्षात्कार कर लिया। धर्म की पत्नी दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से वे नर नारायण के रूप में प्रकट हुए। उनकी तपस्या का प्रभाव उन्हीं के जैसा है। इंद्र की भेजी हुई काम की सेना अप्सराएं उनके सामने जाते ही अपना स्वभाव खो बैठी। वे अपने हाव भाव से उन आत्म स्वरूप भगवान की तपस्या में विघ्न नहीं डाल सकी। नारद शंकर आदि महानुभाव अपनी रोम रसी दृष्टि से कामदेव को जला देते हैं, परंतु अपने आप को जलाने वाले असहाय क्रोध को वे नहीं जला पाते। वही क्रोध नर नारायण के निर्मल हृदय में प्रवेश करने से पहले ही डर के मारे काम जाता है। फिर भला उनके हृदय में काम का प्रवेश तो हो ही नहीं सकता। अपने पिता राजा उत्तानपाद के पास बैठे हुए 5 वर्ष के बालक ध्रुव को उनकी सौतेली माता सुरुचि ने अपने वचन बाणों से बेध दिया था। इतनी छोटी अवस्था होने पर भी वे ग्लानि से तपस्या करने के लिए वन में चले गए। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव पद का वरदान दिया। आज भी ध्रुव के ऊपर नीचे प्रदक्षिणा करते हुए दिव्य महिषीगण उनकी स्तुति करते रहते हैं। कुमार गामी वेन का ऐश्वर्य और पौरुष ब्राह्मणों के हुंकार रूपी वज्र से जलकर भस्म हो गया। वह नरक में गिरने लगा। ऋषियों के प्रार्थना पर भगवान ने उसके शरीर मंथन से पृथु के रूप में अवतार धारण करके उसे नरकों से उबारा। इस प्रकार पुत्र शब्द को चरितार्थ किया। इसी अवतार में पृथ्वी को गाय बनाकर उन्होंने इससे जगत के लिए समस्त औषधियों का दोहन किया। राजा नाभिकी की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवान ने ऋषभ देव के रूप में जन्म लिया। इस अवतार में समस्त आसक्तियों से रहित रहकर अपनी इंद्रियों और मन को अत्यंत शांत करके एवं अपने स्वरूप में स्थित होकर समदर्शी के रूप में उन्होंने जड़ों के भांति योगचर्या का आचरण किया। इस स्थिति को महर्षि लोग परम हंसपद अथवा अद्भुत चर्या भी कहते हैं। इसके बाद स्वयं मुनि यज्ञ पुरुष ने मेरे यज्ञ में स्वर्ण के समान कांति वाले हयग्रीव के रूप में अवतार ग्रहण किया। भगवान का वह विग्रह वेदमय यज्ञमय और सर्वदेवमय है। उन्हीं की नासिका से श्वास के रूप में वेदवाणी प्रकट हुई है। चाक्षुक मनवंतर के अंत में भावी मनु सत्यव्रत ने मत्स्य के रूप में भगवान को प्राप्त किया था। उस समय पृथ्वी रूपी नौका के आश्रय होने के कारण वे ही समस्त जीवों के आश्रय बने। प्रलय के उस भयंकर जल में मेरे मुख से गिरे हुए वेदों को लेकर उसी में विहार करते रहे। जब मुख्य मुख्य देवता और दानव अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे
तब भगवान ने कश्यप के रूप में अपनी पीठ पर मद्राचल को धारण किया। उस समय पर्वत के घूमने के कारण उनकी रगड़ से पीठ की खुजलाहट थोड़ी मिट गई, जिससे वे कुछ क्षणों तक सुख की निद्रा सो सके। देवताओं का महान भय मिटाने के लिए उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। फड़कते हुए भौवे और तीखी दाढ़ों से उनका मुंह बड़ा भयावना लग रहा था। हिरण्यकश्यप उन्हें देखते ही हाथों में गदा लेकर उन पर टूट पड़ा। इस पर भगवान नरसिंह ने दूर से ही उसे पकड़कर अपनी जांघों पर डाल दिया और उसके छटपटाते रहने पर भी अपने नखों से उसका पेट फाड़ डाला। बड़े भारी सरोवर में महाबली ग्रह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। जब बहुत थक कर वह घबरा गया, तब उसने अपनी सूंड में कमल लेकर भगवान को पुकारा कि हे आदि पुरुष, हे समस्त लोकों के स्वामी, हे श्रवण मात्र से कल्याण करने वाले। उसकी पुकार सुनकर अनंत शक्ति भगवान चक्र प्राणी गरुड़ की पीठ पर बैठकर वहां आए और चक्र से उन्होंने ग्रह का मस्तक उखाड़ डाला। इस प्रकार कृपा परवश भगवान अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर उस विपत्ति से उसका उद्धार किया। भगवान वामन अदिति के सबसे छोटे पुत्र थे, परंतु गुणों की दृष्टि से सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोकों को अपने चरणों से नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने तीन पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इसी बात से यह सिद्ध कर दिया कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवाय और किसी उपाय से समस्त पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्यराज बलि अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के साथ इंद्र की पदवी मिली, इससे कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए। और तो क्या, भगवान का तीसरा पैक पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रख कर उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों की ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनवंतरों के मनु के रूप में अवतार लेकर मनुवंश की रक्षा करते हुए दसों दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। तीनों लोकों के ऊपर सत्यलोक तक उनके चरित्रों की कामनीय कीर्ति फैल जाती है। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के साथ भारभूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाधन मन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल में नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और देवताओं के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उनसे फिर से दिला दिए। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का परिवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महान पराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर तीखी थार वाले फरसे से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतरण हुए। इस अवतार में उनके पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध करके रावण उनके हाथों मारा जाता है। त्रिपुर विमानों को जलाने के लिए उद्धव शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए समुद्र तट पर पहुंचते हैं, उस समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोधा अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती हैं कि उनकी दृष्टि से ही समुद्र के मगरमच्छ, सांप और ग्रह आदि जीव जलने लगते हैं और भय से थरथर कांपता हुआ समुद्र झटपट उन्हें मार्ग दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत की दांत चूर चूर होकर चारों ओर फैल गए थे, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजय रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा था। वही रावण जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता जी को चुरा कर ले जाता है, तब लड़ाई के मैदान में उनसे लड़ने के लिए गर्वपूर्वक आता है। तब भगवान श्री राम के धनुष की टंकार से ही उसका वह घमंड प्राणों के साथ ही तक्षण विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रौद डालेंगे, उस समय उसका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफेद और काले केश से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे।
वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के सभी मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में ही पुतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर से उछाल कर बड़ा भारी छड़का उलट देना और घुटनों के बल चलते चलते आकाश को छूने वाले यमला अर्जुन के वृक्षों में जाकर फंसना और उन्हें उखाड़ डालना, ये सब ऐसे कर्म है जिन्हें भगवान के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामयी कृपा दृष्टि की वर्षा से उन्हें जीवित कर देंगे और यमुना जल को शुद्ध करने के लिए उसमें विहार करेंगे और उसके विष की शक्ति से जीव लपलपाते हुए कालिया नाग को वहां से निकाल देंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग वहीं यमुना तट पर सो जाएंगे, तब दानव अग्नि के आसपास का मंजू का वन चारों ओर से जलने लगेगा। तब बलराम जी के साथ प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को उनकी आंखों से बंद कराकर वे उसे अग्नि से बचा लेंगे। उनकी यह लीला भी अलौकिक होगी। उनकी शक्ति वास्तव में अचैतन्य है। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए जो जो रस्सी लाएंगी वही उनके उदर में पूरी ना पड़ेगी, 2 उंगली छोटी ही रह जाएगी तथा जम्हाई लेते समय श्री कृष्ण के मुख में 14 भुवन देखने से पहले ही यशोदा भयभीत हो जाएंगी, परंतु फिर भी वे संभल जाएंगी। वे नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। मैं दानव का पुत्र बेवमासुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तब उन्हें वे वहां से बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों को जो दिन भर तो काम धंधों में व्याकुल रहते हैं और रात को अत्यंत थककर सो जाते हैं, साधनाहीन होने पर भी वे अपने परम धाम को ले जाएंगे। निष्पाप नारद, जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ करना बंद कर देंगे, तब इंद्र वज भूमि का नाश करने के लिए चारों ओर से मूसलाधार वर्षा करने लगेंगे। उससे उनकी तथा पशुओं की रक्षा करने के लिए भगवान कृपा परवश होकर 7 वर्ष की अवस्था में ही 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक हाथ से छत्र पुष्पक की तरह खेल खेल में ही धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से वे रात के समय जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिपट रही होगी, अपनी बांसुरी की मधुर संगीति की लंबी तान छेड़ेंगे। उससे प्रेम विवश होकर आई हुई गोपियों को जब कुबेर का सेवक शंखचूड़ हरण करेगा, तब वे उसका सिर उतार लेंगे। और भी बहुत से प्रलंबासुर, धेनुकासुर, वकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्य, चारुड़ आदि पहलवान, कुबलयापीठ हाथी, कंस, कलायवान, भौमासुर, मिथ्या वासुदेव, साल्व, द्विविध वानर, बलवन, दैत्यवक, राजा नग्नजीत के साथ 7 बैल, संबरासुर, विदुरथ और रुक्मी आदि तथा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, कैके और सुसज्य आदि देशों के राजा लोग जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों के आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाने पर उन्हीं के धाम में चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम होती जाएगी, आयु भी कम होने लगेगी। उस समय जब भगवान देखते हैं कि अब लोग मेरे तत्व को बतलाने वाली वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग को भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मैं दानों के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान लोगों की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले भेद धारण करके बुद्ध के रूप में बहुत से उपधर्मों का उपदेश करेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे, यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वधा और वसटकार की ध्वनि, देवों और पितरों की यज्ञ शास्त्र की बात तक सुनाई नहीं पड़ेगी, तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि अवतार को ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, नव प्रजापति, मरीचि आदि ऋषि और मेरे रूप में, जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु और मनु देवताओं और राजाओं के रूप में, तथा जब सृष्टि में प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र और क्रोधवश नाम के सर्प एवं दैत्य आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती हैं। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी की एक एक धूलि कण को गिन चुनने पर भी जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी नाप लेते हैं, तब उस समय उनके चरणों के अदम्य वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण से लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगता है।
तब उन्होंने अपनी शक्ति से उसे स्थिर किया था। समस्त सृष्टि की रचना और संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय से उनके स्वरूप को मैं ना जानने वाला हूँ और ना वे तुम्हारे भाई संकादिक हैं, फिर दूसरों को तो कहना ही क्या है। आदिदेव भगवान से सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते रहे हैं, परंतु अभी वे अपने अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपने सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुअस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा पाते हैं। वास्तव में ऐसे पुरुष ही कुत्ते और सियारों के कलेवा के रूप में अपने पुत्र आदि के शरीर में मैं हूँ ना और यह मेरा है ऐसा भाव नहीं करते। प्यारे नारद, परम पुरुष की उस योग माया को मैं जानता हूँ। तुम लोग भगवान शंकर, दैत्य कुलभूषण प्रहलाद, शत्रुपा मनु, मनुपुत्र प्रियव्रत आदि प्राचीन बहिर ऋषभ और ध्रुव भी जानते हैं। इनके सिवा इकवादु, पुरुरवा, मचुकुंद, जनक, गाधी, रघु, अम्बरीश, सगर, गय, यतातीत आदि तथा मंधाता, अलर्क, सतधनवा, अनुरंती देव, भीष्म, बलि, अमूर्तय, दिलीप, सौरभी, उतंग, शिबी, देवल, पिप्पलाद, सारस्वत, उद्धव, पराशर, भूरिशेष एवं विभीषण, हनुमान, सुखदेव, अर्जुन, आष्टशेर, विदुर, श्रुतदेव और महात्मा भी जानते हैं। जिनके भगवान के प्रेमी भक्तों सा स्वभाव बनाने की भिक्षा मिली है, वे स्त्री, शूद्र, हुग, भील और पाप के कारण पशु पक्षी आदि योनियों में रहने पर भी भगवान की माया का रहस्य जान जाते हैं और इस संसार सागर से सदा के लिए पार हो जाते हैं। फिर जो लोग वैदिक सदाचार का पालन करते हैं, उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय और केवल ज्ञान स्वरूप है। ना उनमें माया का मल है और ना ही उसके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। वह सत और असत दोनों से परे है। किसी भी वैदिक या लौकिक शब्द की वहां तक पहुंच नहीं है। अनेक प्रकार के साधनों से संपन्न होने वाले कर्मों का फल भी वहां तक नहीं पहुंच सकता। और तो क्या, स्वयं माया भी उसके सामने नहीं जा पाती, लजाकर भाग खड़ी होती है। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अनंत आनंद स्वरूप ब्रह्मा के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने के लिए कुदाल नहीं रखते, वैसे ही भेद दूर करने वाले ज्ञान साधनों को भी छोड़ देते हैं। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, किंतु मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह सभी उसी की प्रेरणा से होता है। इस शरीर में रहने वाले पंचभूतों के अलग अलग हो जाने पर यह शरीर नष्ट हो जाता है, तब भी इसमें रहने वाला अजन्मा पुरुष आकाश के समान नष्ट नहीं होता। बेटा नारद, संकल्प से ही विश्व की रचना करने वाले खड़े ईश्वर से संपन्न श्री हरि का नाम मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया है। जो कुछ कार्य कारण अथवा भाव अभाव है, वह सब भगवान से भिन्न नहीं है। फिर भी भगवान तो इससे पृथक भी नहीं है। भगवान ने मुझे जो उपदेश किया था वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है, तुम इसका विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और सर्वस्व रूप भगवान श्री हरि के लोगों में प्रेममय भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके ही इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान के अचिंत्य शक्ति योग माया का वर्णन दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं अथवा श्राद्ध के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद का सातवां अध्याय समाप्त होता है। अगर आप हमारे सनातन महापुराण श्रीमद् भागवत कथा में रुचि रखते हैं और विस्तार पूर्वक उसका वर्णन सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल आत्म से अध्यात्म की ओर को सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय आदि शक्ति भोलेनाथ जी। हर हर महादेव।